Good morning, children. Today we are going to do our new lesson of mathematics. That is lesson number 4, geometry. Geometry is a part of the maths. जैसे कि number जो होते हैं वो एक अलग उसका part होता है, एक division अलग उसका होता है maths का, और ये है geometry. तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें आज हम सीखेंगे plane shapes and solid shapes. पहले मैं आपको plane shapes के बारे में थोड़ा explanation करती हूँ. जैसे मैंने एक बोर्ड के ऊपर ये सारे शेप्स ड्रॉ किए, वो ऑलरेडी आप लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, इनके नेम्स, उनके स्पेलिंग आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब हमें क्या करना है कि ये इसको हम बाइफर्केट करेंगे किस तरह से कि ये अलग शेप नाम क्यों है. ठीक है, चलो तो अब मैं बताती हूँ आपको. ये हमारा जो फर्स्ट शेप है, ठीक है, ये है स्क्वायर. स्पेलिंग है उसका RECTANGLE, रेक्टेंगल. गॉट इट? अब ये आप शेप देखो, ये अगर हम ऐसा सोचे कि दो स्क्वायर को हमने इकट्ठा कर दिया, चलो समझो ऐसा, तो इसमें क्या होता है, देखो मैंने दो साइड ऑरेंज कलर की लिखी है और दो साइड्स को येलो कलर से लिखा है. मतलब क्या होगा, ये सामने सामने की साइड जो है वो दोनों सेम होती है. यहां पर ये सामने सामने की साइड दोनों सेम होगी, यानी इसकी सारी साइड सेम है ये हम नहीं कह सकते. सामने सामने ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल. अच्छा काउंट करते हैं कितनी साइड्स है पहले, तो 1 2 3 4. हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 4 साइड्स. हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 4 sides. And how many vertices are there? 1 2 3 4 vertices. Four sides and four vertices. Per opposite sides are equal. Yaad kya rakhna hai? Opposite sides are equal.
इक्वल इन लेंथ, ये जो ऑपोजिट साइड होती है वो इक्वल इन लेंथ होगी, ठीक है, सारी साइड्स इक्वल नहीं हो सकती है। तो इसमें जो लॉन्ग वाली साइड है उसको हम लेंथ बोलेंगे और जो स्मॉल वाली है यानी छोटी वाली है शॉर्ट वाली जो है उसको हम लोग बोलेंगे ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसमें ऑपोजिट साइड आर इक्वल। अब ये हुआ हमारा रेक्टेंगल, हम अब नेक्स्ट शेप पे चलते हैं। नाउ दिस इज अवर नेक्स्ट शेप दैट इज ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल, क्योंकि यहां पर 1, 2 और 3 साइड्स है, 3 साइड की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं ट्रायंगल, क्या बोलते हैं उसको ट्रायंगल। अच्छा ट्राई यानी 3, आपको याद है आप लोग अपने फ्लैग को इंडियन फ्लैग को क्या बोलते हैं ट्राई कलर फ्लैग, तिरंगा यानी 3। ट्राई एंगल ये जो होता है ना वर्टेक्स जिसको हम बोल रहे हैं उसको एंगल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसलिए 3 एंगल्स वाला है इसलिए उसको ट्राइंगल बोलते हैं। 3 साइड्स, 1, 2, 3, 3 साइड्स, एंड हाउ मेनी वर्टाइसेस आर देयर, 3 वर्टाइसेस, वेरी गुड, 3 वर्टाइसेस। यहां पर मैं साइड के बारे में ऐसा बोलूंगी सारी साइड सेम भी हो सकती है, सारी साइड अलग अलग भी हो सकती है, 2 साइड सेम हो सकती है, मतलब ट्रायंगल का जिस तरह का शेप होगा उसके हिसाब से उसकी साइड आएगी, पर अगर 3 एंगल्स है 3 साइड्स है तो उसको हम लोग ट्रायंगल ही बोलेंगे। गॉट इट? नाउ टू द नेक्स्ट शेप। नाउ दिस इज अवर नेक्स्ट शेप, यहां पर आप देखोगे ये है पूरा बैंगल जैसा शेप, इसके जैसा शेप है ये बैंगल जैसा शेप, ये बैंगल जैसे शेप को क्या बोलते हैं आप सब लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं सर्कल, क्या बोलेंगे इसको सर्कल। अच्छा इसमें कोई आपको साइड दिख रही है, कोई कॉर्नर, कोई वर्टाइसिस दिख रहे हैं आपको? नो, सो अ सर्कल हैज नो साइड्स एंड नो वर्टाइसेस, नो साइड्स एंड नो वर्टाइसेस, कोई साइड भी नहीं होती है और वर्टाइसेस भी नहीं होते हैं। ओके नाउ अवर नेक्स्ट शेप, नाउ दिस इज ओवल शेप, जो सर्कल में से बना हुआ, सर्कल को हम थोड़ा सा खींच ले तो वो क्या बन जाएगा ओवल शेप बन जाएगा, कौन सा शेप बन जाएगा वो ओवल शेप बन जाएगा। इसमें भी नो साइड्स नो वर्टाइसेस, इसकी भी कोई साइड्स नहीं होती है और उसके भी वर्टाइसेस नहीं होते हैं। तो ये सारे जो हमने शेप्स देखे, यहाँ पर सारे शेप्स जो देखे वो कैसे शेप्स है पता है आपको, वो है हमारे प्लेन शेप्स, प्लेन शेप्स यानी ये 2D, 2 डायमेंशनल शेप्स है, ठीक है, जिसमें साइड एंड वर्टाइसेस होते हैं पर फ्लैट है एकदम, फ्लैट शेप्स। आप अपना पेज लो, आप हैंडकरचीफ लो, आप उसको खड़े करने की कोशिश करो, उसको टेबल के ऊपर उसको स्टैंडिंग पोजीशन में रखने की कोशिश करो, क्या वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि वो 2 डायमेंशनल और प्लेन शेप है, फ्लैट शेप्स। तो ये सारे जो हमने अभी तक का ये सब देखा वो सारे प्लेन शेप्स के बारे में देखा, और अब हम उसके ओरिएंटेड एक्सरसाइज करेंगे। नाउ लेसन नंबर 4, 112, पेज नंबर 112। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, जियोमेट्री प्लेन एंड सॉलिड शेप्स। चलो अब हम देखते हैं, नेम द शेप्स, जो आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट स्टैंडर्ड में कर चुके हो, सिर्फ उसके हम लोग स्पेलिंग्स देखेंगे। ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल, तो आप लोग लिखो रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। ये कौन सा शेप है? सर्कल, वेरी गुड, तो CIRCLE, सर्कल। ये कौन सा शेप है? स्क्वायर,
वेरी गुड, तो इसको हम लिखेंगे एस क्यू यू ए आर ई, फिर ये है ट्राइंगल, वेरी गुड, टी आर आई ए एन जी एल ई, ट्राइंगल, ओके। अब देखो, अब इसमें भी एंगल लिखा है और इसमें भी एंगल लिखा है, ठीक है ना, तो आपको तो आगेगा इसमें आर ई सी टी और यहाँ पे टी आर आई ए, यानी ए एन जी एल ई तो ऑलरेडी है, तो टी आर आई को याद रखो, एंगल का स्पेलिंग याद रखो, तो रेक्टेंगल ट्राइंगल ये दो तो आपको आ ही गए उसके स्पेलिंग। चलो नेक्स्ट पे चलते, ये जो सारे शेप्स है ये सारे शेप्स कौन से हैं, सॉलिड शेप्स, इनके बारे में मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी, पर हमारी एक्सरसाइज में इसके नेम्स तो लिख नहीं है, स्पेलिंग्स तो लिख नहीं है, तो हम लिखना शुरू करें अभी। चलो, ये स्क्वायर में से बना हुआ, सारी साइड स्क्वायर में से बनी हुई, उसको हम बोलेंगे क्यूब, आप लोग आइस क्यूब, फिर डाइस, ये सब देखा होगा ना, उसको बोलेंगे क्यूब। अच्छा, नेक्स्ट डस्टर हमारा है, ठीक है, डस्टर का शेप कौन सा होगा, क्यूबॉइड, सी यू बी ओ आई डी, क्यूबॉइड। अब आया बॉल का शेप, उसको हम कौन सा बोलेंगे, स्फीयर, एस पी एच ई आर ई, स्फीयर, क्या होगा, स्फीयर शेप। चलो अब देखो, अब इसमें क्या है पता है, एच ई आर ई हियर, आगे लगा दो एस पी तो बन जाएगा स्फीयर। अब ये है कौन से, आपकी बर्थडे कैप होती है ना, वो होगा कौन, सी ओ एन ई, कौन शेप, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स, ठीक है। चलो, तो आप पेंसिल अपने हाथ में ले लो, तो पेंसिल ले ली सब लोगों ने, चलो मैंने भी ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो पैटर्न्स ड्रॉ कर रहे हैं, वो क्या है, इसको कहते कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स, अब बोलना भी है और साथ में हमको ड्रॉ भी करना है। स्क्वायर सर्कल, स्क्वायर सर्कल, स्क्वायर, अब क्या आएगा, सर्कल, वेरी गुड, स्क्वायर सर्कल, देखो मेरा स्क्वायर ठीक से नहीं बना ना, लेकिन आप ठीक से बनाना, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सिर्फ दो ही शेप्स के बारे में दिया है, यहाँ पर भी देखो, रेक्टेंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, रेक्टेंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, रेक्टेंगल ट्राइंगल, बोल के आप ये वाला करोगे ना तो एकदम फटाक से हो जाएगा ये पैटर्न, ठीक है ना। ये भी दो दो शेप के बारे में है, यहाँ पर भी ओनली टू शेप्स आर देयर, ये क्या है, रेक्टेंगल सर्कल, रेक्टेंगल सर्कल, रेक्टेंगल सर्कल, रेक्टेंगल सर्कल, मैं बोल रही हूँ, मैं ड्रॉ नहीं करने वाली, वो आप करोगी। यहाँ पर है थ्री शेप्स के बारे में, स्क्वेयर ट्राइंगल सर्कल, स्क्वेयर ट्राइंगल सर्कल, स्क्वेयर ट्राइंगल, अभी एक कोई बॉक्स नहीं है तो सर्कल में ड्रॉ करने जाना, फिर से कैसे, स्क्वेयर ट्राइंगल सर्कल, स्क्वेयर ट्राइंगल सर्कल, स्क्वेयर ट्राइंगल, तो इस तरह से हम लोग पैटर्न फिनिश करेंगे, ठीक है ना, ये वाला पैटर्न आप खुद करोगे, गॉट इट। और इसमें आपको अगर कलर भी करना है, यू कैन डू, बहुत मस्त मस्त कलर, पर क्या पता है आपको, स्क्वायर में सेम कलर करना, सर्कल में सेम कलर करना, इसी तरह से रेक्टेंगल जहाँ पर भी है वो सेम कलर करना, फिर देखना इतनी सुंदर पैटर्न बनती है यहाँ पे कि आप लोग भी खुश हो जाओगे उसको देख के, ठीक है। पेज नंबर 100 जो 13 है, 113, उसका मैंने ऑलरेडी आपको बोर्ड के ऊपर सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सारे प्लेन शेप्स, ठीक है, दिस इज स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, ओवल। अब हम लोग उसका ये लाइंस खत्म करते हैं पढ़ के। अ स्क्वायर हैज़ फोर साइड्स एंड फोर वर्टाइसेस, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। नेक्स्ट, अ रेक्टेंगल हैज़ फोर साइड्स
एंड फोर वर्टाइसेस द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. नेक्स्ट अ ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स एंड थ्री वर्टाइसेस. सर्कल अ सर्कल हैज नो साइड्स एंड नो वर्टाइसेस. Oval, an oval is an elongated circle. Elongated, khincha hua. It also has no vertices and no sides. Okay? तो अब हमारे जो next shapes के बारे में हम पढ़ेंगे वो next session. So now exercise 1. Identify the shapes and fill in the blanks. चलो ये कौन सा शेप है आप लोगों को ही बोलना है. रेक्टेंगल. चलो फर्स्ट ब्लैंक में लिखो रेक्टेंगल. दिस इज अ रेक्टेंगल. इट हैज डैश साइड्स फोर साइड्स. इट हैज फोर वर्टाइसेस. इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. नाउ नंबर टू. ये कौन सा शेप है. दिस इज अ ट्रायंगल. It has three vertices. It has three sides. अब नंबर थ्री पे सामने देखो कौन सा शेप है ये. सर्कल. वेरी गुड. दिस इज अ सर्कल. इट हैज नो वर्टाइसिस. इट हैज नो साइड्स. नेक्स्ट नंबर फोर. ये कौन सा शेप है कौन सा बोलो. हाँ This is a square. It has four sides. It has four vertices. Dash sides are equal in length. So all sides are equal in length. All sides are equal in length. अच्छा ये fun time है. इसमें करना क्या है. आप triangle को yellow color करो. Square को blue color करो. Rectangle को ग्रीन कलर करो एंड सर्कल को रेड कलर करो और फिर देखो कितनी मस्त डिजाइन बनती है इसके अंदर. कितने मस्त उसके कलर्स लगते हैं. ठीक है. देन हम लोग अभी नेक्स्ट जो हमारा करेंगे तब सॉलिड शेप के बारे में और उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो बच्चों हमने क्या देखा. प्लेन शेप के बारे में देखा. सॉलिड शेप्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा. लेकिन उनके जो नेम्स है वो हमारी एक्सरसाइज में रिलेट थे इसलिए मैंने आपको ये क्या करना है एक्सरसाइज में ही बता देना है. और उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन होगा वो हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे. तब तक के लिए बाय.